हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक डिडवानिया में। दोस्तों, हमने थ्री कैटेगरीज वीडियो क्लासेस सेशन स्टार्ट कर रखा है। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ग्रामर, सेकंड इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी एंड थर्ड इज रिलेटेड टू कन्फ्यूजन एंड सॉल्यूशन सेशन। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कन्फ्यूजन एंड सॉल्यूशन सेशन का सेकेंड वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक कन्फ्यूजन और उसका हम प्रोवाइड करवाएंगे कम्प्लीट सॉल्यूशन। पहले वीडियो में आपने जाना था किस प्रकार से मेरिट के साथ कब प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कि कैसे मेरिट के साथ विथ का यूज करना एक्चुअल में एक एरर होता है, केवल टू का यूज होता है। अकॉर्डिंग टू जेंडर मेरिट के साथ विथ और टू को डिवाइड करना एक बेसिक कन्फ्यूजन और एरर है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही एक कन्फ्यूजन के ऊपर। अक्सर आपने सुना है और पढ़ा है कि टेंस की संख्या इंग्लिश में तीन होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जबकि काफ़ी जगह आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि इंग्लिश में टेंस की संख्या केवल दो होती है, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर टेंस नहीं होता। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और कन्फ्यूजन आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइम और टेंस, अक्सर लोग ये मानते हैं कि दोनों एक ही चीज़ होती है, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। इस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं वीडियो को बीच बीच में पॉज कर देता हूं कि जो लिखने वाला जो टाइम है वो आपका बच सके। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश में जितनी भी, जिसे आप हेल्पिंग में भी बोलते हैं, उनकी टोटल संख्या तो वैसे 28 होती है, पर जब हम ऑक्सिलरी वन की बात करते हैं तो संख्या होती है 24, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब की संख्या होती है 11 और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, जिसे आप मॉडल बोलते हैं, इसकी संख्या होती है 13। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब सीधे सीधे तौर पे समझ लीजिए, जो टेंस टॉपिक आप पढ़ते हैं उसमें जो ऑक्सिलरीज काम में आती है, जो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, उसका नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। इसकी 11 कैटेगरीज है। देखिए, सबसे पहले है डू की कैटेगरी, जैसे डू में आता है डू और डज, ये प्रेजेंट को शो करता है, डिड पास्ट को शो करता है। बी का वर्ब जैसे इज, एम, आर, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, जबकि वॉज और वर, जो अपन कंटिन्यूस टेंस में स्टडी करते हैं, ये हम सिंपल में स्टडी करते हैं, ये प्रोग्रेसिव या जिसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस टेंस, उसमें स्टडी करेंगे। इज, एम, आर और वॉज, वर, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को शो करता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस को, और ये शो करता है पास्ट कंटिन्यूस को। ये जो तीसरी कैटेगरी है वो आप जो परफेक्ट टेंस जिसे बोलते हैं, जो होता है हैज और हैव, ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है और हैड इसका पास्ट फॉर्म है। दोस्तों, आप इस कैटेगरी में कहीं भी विल और शैल नहीं देख पा रहे होंगे। विल शैल एक्चुअल में मॉडल ऑक्सिलरीज ही होता है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब का ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या होती है 13। इसमें आता है कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, मे प्रेजेंट है, माइट पास्ट है, विल प्रेजेंट है, वुड पास्ट है, शैल प्रेजेंट है, शुड पास्ट है, ऑट, डेयर, नीड, ये प्रेजेंट है, इनका पास्ट भी बनता है, अपन डिस्कस करेंगे मॉडल टॉपिक में। और एक है यूज्ड, ये जनरली पास्ट को ही, मैंने यूज के आपके आगे टू नहीं लगाया, क्यों नहीं किया, हम ये मॉडल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप सिर्फ इसकी संख्या को जानने की कोशिश कीजिए, टोटल संख्या देखिएगा, आप गिन पा रहे हैं, टोटल संख्या है 13 और ये हो गया 11, 24, बाकी जो चार बच गई वो ऑक्सिलरी 2, 3 वगैरह में काम में आता है, ऑक्सिलरी वर्ब में केवल 24 की संख्या ही काम में आती है। इसलिए दोस्तों, ये जितने देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये जो देख पा रहे हैं ये पास्ट फॉर्म है। ओके दोस्तों, इसी तरह से ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। अगर वर्ब का फ्यूचर कैटेगरी होती तो आप यहाँ पर तीन कैटेगरी पाते, जबकि आप यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट। एक चीज़ तो ये शो करती है कि वर्ब अकॉर्डिंग केवल दो ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर नहीं होता। अब इसको अपन थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूँ, ही इज playing cricket। देखो दोस्तों, हम इसमें दोनों चीज जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेंटेंस में टाइम कौन सा है और टेंस कौन सा है। तो देखो, मैंने आपको बताया था, जब भी आपको टाइम जानना हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है लुक एट द टाइम ऑफ द टास्क।
जो टास्क का जो टाइम है, काम कब हुआ, उसकी ओर हमें देखना होता है। मतलब सबसे पहले आप ये देखिए, काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ कि फ्यूचर में होगा। अगर हमें टेंस देखना हो तो सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि लुक एट द वर्ब, वर्ब की शक्ल की तरफ देखिए, वर्ब की तरफ देखिए। अगर वर्ब प्रेजेंट को शो कर रही है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट। ओके दोस्तों, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अब वो क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों यहाँ इज का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इज एम आर प्रेजेंट को शो करता है, वो जर पास्ट को शो करता है। इसलिए ये किसको शो करा है, ये शो करा हम वर्ब के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, और वर्ब के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेंस की। तो इज किसको शो करता है, इज शो करता है प्रेजेंट को। तो द टेंस, इस टेंस सेंटेंस का कौन सा है, प्रेजेंट। जबकि हम टाइम की बात करें कि काम कब, अभी हो रहा है, इसलिए टाइम भी कौन सा है, प्रेजेंट। इसमें आपको दोस्तों कोई डाउट भी नहीं होगा। चलो एक और सेंटेंस हम लेते हैं कि ही इज गोइंग टू ओपन ए शॉप नेक्स्ट ईयर, मतलब हो गया वह अगले साल एक दुकान खोलने जा रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, अब हमें इसका मालूम करना है टाइम और टेंस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर काम अभी हुआ नहीं है, होगा। हमें वाक्य के क्या देखना है, हमें लुक एट द टाइम ऑफ द टास्क, यानी कार्य कब हुआ उसके, हमें उसके, हमें टाइम को देखना है। और नेक्स्ट ईयर शो कर रहा है कि टाइम इसका फ्यूचर है, क्योंकि काम अभी हुआ नहीं, होगा। जबकि इज गोइंग टू, ये ना कि वह, इज का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने बताया लुक एट द वर्ब, वर्ब की ओर देखिए, वर्ब बता रही है। इज कौन सी कैटेगरी में आता है, इज इज रिलेटेड टू प्रेजेंट, इसलिए इस वाक्य का टेंस है प्रेजेंट। इसमें भी मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो दोस्तों एक सेंटेंस लेते हैं, द पीएम विल विजिट सिकर टुमारो, पीएम कल सिकर आएंगे। इसी वाक्य को जनरली आपने जब टेंस पढ़ेंगे अपन डिस्कस करेंगे, वो टास्क जो पहले से फिक्स होते हैं उनको फ्यूचर्स के साथ, है ना, जो फ्यूचर के जो विल सेल जो इंडिकेट करता है, उसके साथ साथ आप प्रेजेंट सिंपल में भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, द, मैं नीचे लिख देता हूँ, द पी एम विजिट्स सिकर टुमारो। दोनों का एक ही मतलब है कि पीएम कल सिकर आएंगे, ठीक है। ये पहले से प्लान है, इसलिए इसको विल सेल के साथ साथ हम विजिट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इस टाइम हम आराम से आप पहचान पा रहे हैं कि जो टुमारो वर्ड है वो किसको शो कर रहा है, वो टाइम को शो कर रहा है। दोनों सेंटेंस में टाइम कौन सा है, फ्यूचर। मेरे हिसाब से इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम जानते हैं इसका टाइम कौन सा है। तो दोस्तों आप स्ट्रक्चर देखिए, कैन, मे, विल, सेल, ऑट, नीड, डेयर, ये सब प्रेजेंट को शो करता है, और कुड, माइट, वुड, शुड, यूज्ड, ये सब क्या है, ये सब शो करता है पास्ट को। इसलिए आप इसका स्ट्रक्चर, अगर यहाँ विल दे रखा है तो ये कौन से को, टाइम, सॉरी, टेंस शो कर रहा है प्रेजेंट। ये जरूर कन्फ्यूजन हो रहा होगा दोस्तों, इज द राइट फैक्ट कि ये प्रेजेंट को शो करेगा और ये फ्यूचर को शो करेगा। इसी तरह से इसी वाक्य में पीएम अभी आए नहीं है, आएंगे, इसलिए टाइम इज फ्यूचर। जबकि टेंस की बात करें तो वाक्य की ओर देखें, वर्ब की ओर देखें, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। सो इन दोनों सेंटेंस के अंदर टेंस तो है प्रेजेंट, जबकि टाइम है फ्यूचर। चलो दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल से सेंटेंस बोर्ड पे देख रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमें इस वाक्य का, हमें सबसे पहले बताना है टेंस। टेंस में दोस्तों क्या देखते हैं, टेंस में हम वर्ब की ओर देखते हैं। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म वगैरह होती है, ये किसको शो करता है, ये शो करता है प्रेजेंट, और आपने इसको प्रेजेंट सिंपल में अक्सर पढ़ा है। और दोस्तों अगर हम इसके टाइम की बात करें
तो कौन सा टाइम है? तो दोस्तों इसमें तीनों टाइम है, इसमें पास्ट भी है, इसमें प्रेजेंट भी है और इसमें फ्यूचर भी है। ओके दोस्तों, यही कारण है कि हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। और आपने पढ़ा होगा नरेशन में कि अगर वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड है तो उसका हम टेंस चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका रियल फैक्ट यह है क्योंकि इसमें पहले से यूनिवर्सल ट्रुथ में पास्ट का से हम प्रेजेंट जब नरेशन बनाते हैं तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, जबकि इसमें पहले से पास्ट का सेंस है क्योंकि सूरज कल भी उगा था, आज भी उगा है और आगे भी उगेगा। इसलिए इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टाइम को शो किया गया है। अब मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ, ये अक्सर कंटिन्यूस पढ़ोगे तब आपको पढ़ने में आता है कि हियर कम्स द बस। काफी स्टूडेंट्स तो इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाते। एक्चुअल में दोस्तों इसका स्ट्रक्चर उल्टा है। आपने ज़्यादातर सेंटेंस में एस वी ए का स्ट्रक्चर देखा है, जबकि यहाँ है ये है एडवर्बियल, ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है बस यहाँ आ रही है, आपको अच्छे बस यहाँ आ रही है, तो यह है हियर कम्स द बस। अब यहाँ कंटिन्यूटी है और बात कर रहे हैं तो बताइए इसका टाइम कौन सा है, टेंस कौन सा है। तो टाइम और टेंस बोथ आर रिलेटेड टू प्रेजेंट। ओके दोस्तों, एक सेंटेंस और लेता हूं, देखिएगा दोस्तों। रमन रमन प्लेड ए फ्रेंडली मैच। रमन ने एक फ्रेंडली मैच खेला। तो दोस्तों हमें इस वाक्य का टाइम बताना है और इस वाक्य का टेंस बताना है। टेंस बताने के लिए मैंने बताया वाक्य के वर्ब के स्ट्रक्चर की ओर देखिए। वर्ब दे रखा प्लेड, प्लेड किसको शो करता है? ये पास्ट फॉर्म, इसका बोला है पास्ट फॉर्म जाता है। तो टेंस इस सेंटेंस का कौन सा है? पास्ट। और टाइम कब है? ये काम हो चुका, रमन फ्रेंडली मैच खेल चुका, इसलिए इसका टाइम भी कौन सा है? पास्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का ये आपके कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टेंस और टाइम दो अलग अलग चीज़ें होती है, ये एक नहीं होती। इंग्लिश के जब वर्ब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टेंस की संख्या एक्चुअल में केवल दो ही होती है, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर नहीं होता। हमने इसको विथ एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश की है। दोस्तों मैं एक वाक्य के इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ एक सेंटेंस के साथ। आप मुझे अपने जो कमेंट है उसके अंदर जरूर लिख के बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा टेंस और टाइम काम में आया है। दोस्तों आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं एक दो क्वेश्चन के साथ। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा टेंस है और कौन सा टाइम है। फर्स्ट सेंटेंस इज ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका आपको टाइम और टेंस बताना है। इसका आप ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन वन आंसर आप बता सकते हो टाइम और टेंस। इसके बाद ये है सेंटेंस टू, आई शैल इन्वाइट देम टुमारो, इसका भी आपको टाइम और टेंस बताना है। दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे।